हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन अवर यूट्यूब चैनल लव टू लर्न। तो दोस्तों, आज का जो ये वीडियो रहने वाला है उसमें हम लोग जो जनरल नॉलेज के जो लास्ट ईयर के ICAR टेक्नीशियन के जो क्वेश्चंस आए हैं उसको कवर करेंगे। तो दोस्तों, एक चीज़ के लिए मैं माफ़ी चाहूँगा कि मैं कुछ लास्ट डेज से वीडियो बना के नहीं डाल रहा था। रीज़न ये था कि मैं बीमार चल रहा था, तो अभी भी खांसी है। मान लीजिए बीच में जो भी हम लोग लेक्चर करेंगे उसमें खांसी का आ जाए तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और डिस्कस करते हैं जो लास्ट ईयर के जनरल नॉलेज के कुछ क्वेश्चंस आए हैं उसको। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज विच इज कॉल्ड सिटी ऑफ गोल्डन टेंपल, यानी कि कौन सा ऐसा सिटी है जिसको गोल्डन टेंपल के रूप से भी जाना जाता है। तो आपका जो इसका राइट आंसर है वो है अमृतसर। द पैलेस ऑफ अमृतसर वॉज गिवन बाई मुगल एम्पीरियर अकबर टू होम, इसका जो राइट आंसर है वो है गुरु रामदास। विच सेक्शन ऑफ IPC इज एप्लीकेबल फॉर डेथ अंडर नेग्लिजेंस, जो राइट आंसर है इसका है वो है 304 आर्टिकल। सारावती प्रोजेक्ट इज इन विच स्टेट, आंसर है कर्नाटका। बाली मेला प्रोजेक्ट इज इन विच स्टेट, ओडिशा। व्हाट डज द ओलंपिक फ्लेम सिम्बलाइज, यानी कि दोस्तों आप लोगों ने जब भी देखा होगा कि जो ओलंपिक फ्लेम है, मान लीजिए कोई भी राष्ट्रीय या फिर अंतर्राष्ट्रीय गेम जब स्टार्ट होता है तो उससे पहले एक मशाल है उसको जलाया जाता है, तो वो किस चीज़ का सिंबल रहता है, वो किसको सिम्बलाइज करता है। तो इसका जो आंसर है वो है कॉन्टीन्यूटी बिटवीन न्यू एंड एंशियंट गेम, यानी कि कॉन्टीन्यूटी मीन्स एक टाइप से समानता, समान रूप से चलना किसी भी जो न्यू गेम्स है और जो एंशियंट गेम है जो कि प्रीवियस टाइम से आ रहे हैं, चलते आ रहे हैं उसके बीच में। विच सिटी इज कॉल्ड एज सिटी ऑफ गोल्डन गेट, द आंसर इज सैन फ्रांसिस्को। द अर्थ रोटेट ऑन इट्स एक्सिस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, यानी कि जो अर्थ है वो अपना जो भी एक्सिस है उसमें कैसे रोटेट करता है, तो वो आपको रोटेट करता है वेस्ट टू ईस्ट मीन्स पश्चिम दिशा से पूर्व दिशा की ओर। After declaration of financial emergency by the president, what is the period of operation without approval by the parliament? Answer is 2 months. The United Kingdom consists of which country? United Kingdom consists of which country? तो दोस्तों, इसका आंसर आप लोग मुझे बताएंगे कि इसका क्या सही आंसर है। मैं कुछ क्वेश्चन आपको बताऊंगा ऐसे बीच में जिसका आंसर आप मुझे ये क्या कहते हैं बीच में मीन्स जो हम लोग का कमेंट सेक्शन है उसमें आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर आप लोग मुझे बताएंगे। हु पब्लिश एम्प्लॉयमेंट न्यूज, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। विच स्टेट इन इंडिया आर हैविंग देयर बॉर्डर शेयरिंग विद म्यांमार, यानी कि कौन सा ऐसा स्टेट है जो कि आपको अपने बॉर्डर को शेयर करता है म्यांमार के साथ, कौन सा ऐसा भारत का राज्य है जो आपको अपने बॉर्डर को शेयर करता है म्यांमार के साथ। आंसर इज मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा एंड मेघालय। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कोन्या हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर इज लोकेटेड इन विच स्टेट, राइट आंसर है दोस्तों इसका महाराष्ट्र। हु इज दिस साइंटिस्ट मेड सक्सेस ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन, आंसर इज नॉर्मन बोरलॉग। विच सिटी इज कॉल्ड एज सिटी ऑफ एटर्नल स्प्रिंग, राइट आंसर इज क्यूटो। नेशनल हाईवे नंबर 2 कनेक्ट विच सिटीज, आपका राइट आंसर है इसका दिल्ली एंड कोलकाता। वेयर इज द लोकेटेड एट द नेशनल सेंटर ऑफ बायो फर्टिलाइजर, द राइट आंसर इज गाजियाबाद। विच सैटेलाइट हेल्प टू टेलीकास्ट TV नेटवर्क ऑल ओवर इंडिया, द राइट आंसर इज इसेट IB। कन्या विद्यान योजना इज इन विच स्टेट, द राइट आंसर इज उत्तर प्रदेश। विद विच कंट्री UNO हैज एग्रीमेंट ऑफ ऑयल विद फूड, द राइट आंसर इज इराक। हु रोट द बुक माई कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट एंड प्रोस्पेक्ट्स ऑफ एंड्यूरिंग पीस, द राइट आंसर इज मिस्टर हबीबुल्ला। हु एमर्ज एज द फास्टेस्ट वुमेन ऑफ बीजिंग ओलंपिक, आंसर इज फ्रेजर। हु इज द विनर ऑफ यूरोपियन ग्रैंड प्रिक्स, द राइट आंसर इज फेलिपे मासा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि जो ये मैंने स्टडी मटेरियल यूज़ किया है ये आपको लिया है मैंने www.jobtodayinfo.com से। तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है
फिश कंट्री वोन 16 गोल्ड मेडल, आई एम सॉरी गोल्ड आएगा यहाँ पे, इन ओलंपिक 2008 एट बीजिंग। द आंसर इज जर्मनी। व्हाट डज IUCN स्टैंड्स फॉर, मींस IUCN का जो फुल फॉर्म है वो क्या है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज गिवन राजीव गांधी नेशनल सद्भावना अवार्ड 2007। The right answer is N. राधा कृष्णन। What is CERN in LHC? तो इसका फुल फॉर्म है CERN is a French space agency, French acronym for European Organization for Nuclear Research, and was in use due to LHC experiment recently. Who was given Dhyan Chand Award for 2008? The right answer is Mukhben Singh. Who is the governor of Reserve Bank of India? D. Subba Rao. Which country won field hockey title in Olympic? Germany. Whom is related to Bhaskar Ghosh Committee? Answer is Cultural Scheme. The 306th Amendment Bill pertain to what cooperative society? Project Sankalp is related to what? HIV AIDS. Full form of AIDS is acquired immune deficiency syndrome. Mitchell Saakashvili is president of which country? Answer is Georgia. Next question is World Food Day falls on what date? 16th October. What is the name of swimmer of USA who won 8 gold medal in Olympic? Mitchell Phillip. Which one is the most competitive city of the world? New York. Followed by London and Tokyo. Means यहाँ पे follow by का मतलब है कि New York के बाद London and Tokyo. By which year India will be 4 degree hotter after 40 year? Where in Gujarat ancient Buddha plaque is discovered recently? Vadanagar in Gujarat. Controversial Pakistani scientist AQ Khan helped which of the nation to make atomic arm? Answer is Libya. Which sports team among Punjab Railway, UP and Service have won 55th National Boxing Championship? Right answer is Railway. Microchip had recently turned how many year? 50 year of age. Recently, the cabinet has increased hike of president, vice president and governor by how much percent? 300%. Union cabinet has recently approved extradition treaty with which country? Iran. तो दोस्तों आज का जो ये वीडियो था हम लोग इसको यहीं पे एंड करते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने टोटल 45 क्वेश्चंस को कवर किया है। जो हमारा नेक्स्ट वीडियो रहेगा उसमें हम लोग जो हमारे कुछ क्वेश्चन बच गए हैं उसको कवर करेंगे। और आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो, और यदि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, साथ में चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और इस लेक्चर का PDF लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, तो आप इजीली टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से आप लोग को इस लेक्चर का PDF मिल जाएगा। थैंक यू।